हाय गाइस, आई एम रितु। वेलकम टू रितुज मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ वेज मोमो की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन मैं रेस्टोरेंट में जैसे बनता है वैसा मोमो नहीं बनाऊंगी। सिक्किम में हर एक घर में ये रेसिपी बनती है, तो मैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। रेसिपी रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगी। ऐसे ही एक्साइटिंग रेसिपीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं वेज मोमो और साथ में मोमो की चटनी और सूप भी। वेज मोमो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ग्राम मैदा, एक मीडियम साइज कैबेज यानी कि पत्ता गोभी और 3 ऑनियन ले लिया। और चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नींबू, 7-8 रेड चिली और एक लहसुन ले लिया। फिलिंग में मैं यूज़ करूँगी ये डालडा, 200 ग्राम डालडा है यहाँ पे, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अजीनोमोटो। मोमो बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे आटा लगा लूँगी। हाफ टेबल स्पून नमक, टू टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाऊंगी और इस आटे को मैं पूरी के आटे जैसा बनाऊंगी। एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये नरम हो जाएगी। मैंने यहाँ पे पूरी के जैसे नरम आटा लगा लिया है, अब मैं इसको वेट क्लॉथ से ढक के रख दूंगी। एक किचन टॉवल को ऐसे भिगो के आप इसको अच्छी तरह से ढक के रख दीजिए। अब हम मोमो का स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाना शुरू करने से पहले मैं मोमो के चटनी के लिए सूखी लाल मिर्च को पानी में भिगो के रख दूंगी। पत्ता गोभी, अब हम पत्ता गोभी को ग्रेट कर लेंगे। हमको ऐसे ग्रेट करना है। मैंने पत्ता गोभी को ग्रेट कर लिया है, अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी। मैं इसको एक अलग जगह पे 20 से 25 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी। उसके बाद जब इससे पानी निकल जाएगा पूरा, तब मैं इसको स्टफिंग के लिए यूज करूंगी। मैं ऑनियन को ग्रेट करूंगी। हमने यहाँ पे ऑनियन को ग्रेट कर लिया है। स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे जितना ग्रेटेड पत्ता गोभी लिया है उससे हाफ ग्रेटेड ऑनियन लेंगे। जब तक हमारा पत्ता गोभी सेट हो रहा है, तब तक हम मोमो का चटनी बना लेते हैं। मोमो के चटनी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ड्राई रेड चिली को ऐसे भिगो के रखा था, उसको मैं ले लूँगी। और मैं गार्लिक क्लोव्स भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ में थोड़ा सा नमक और अब मैं 1 टेबल स्पून पानी, इसको मैं ग्राइंड करूँगी। मैंने यहाँ पे रेड चिली का एक महीन पेस्ट बना लिया है, अब मैं इसके साथ लेमन जूस को मिलाऊंगी। मैंने यहाँ पे 1.5 नींबू का रस ले लिया है, अब मैं इसको दोबारा से ग्राइंड करूंगी, लेकिन आपको सिर्फ 2 से 3 सेकेंड ही इसको ग्राइंड करना है, ज़्यादा ग्राइंड करेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। यहाँ पे तो नींबू और नमक परफेक्ट है, लेकिन आप अपने स्वाद के हिसाब से नींबू और नमक का इस्तेमाल कीजिए। मोमो का चटनी बनके तैयार है, अब मैं इसको सर्विंग बोल में निकाल लूंगी। हमने पत्ता गोभी को सेट होने के लिए रख दिया था, अब हम पत्ता गोभी को ऐसे उससे पानी निचोड़ के ले लेंगे स्टफिंग के लिए।
आप देख सकते हैं पत्ता गोभी से कितना पानी निकल गया। अभी मैं स्टफिंग को बनाऊंगी। अजीनोमोटो, यहाँ पे आपको MSG यानी कि अजीनोमोटो मिलाना ही है। के साथ मिलाऊंगी डालडा। मोमो का स्टफिंग बनके तैयार है। अब मैं मोमो बनाना शुरू करूंगी। बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं मोमो के लिए पानी चढ़ा दूंगी। मेरे घर में जो भी वेजिटेबल अवेलेबल था मैं उसको ऐसे काट लिया। अब मैं उसको इस पानी में डाल दूंगी। थोड़ा सा नमक दे दूंगी इसमें। मोमो अगर ये सूप के पानी में बॉईल होगा तो वो बहुत ही ग्लॉसी होता है। मैं इसको गर्म होने के लिए चढ़ा दूंगी और मोमो बनाना शुरू करूंगी। मोमो के सूप में आप चिकन भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे भेज मोमो बना रही हूँ इसलिए मैंने चिकन का यूज नहीं किया है। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा आटा निकाल लूंगी और इसको दोबारा से ढक के रख दूंगी। अब इसको मैं ऐसे छोटी छोटी टुकड़ों में काट लूंगी। अब मैं इसको पूरी के जैसे ऐसे बेल लूंगी। यहाँ पे हमें तेल का यूज नहीं करना है। हम थोड़ा थोड़ा मैदा इसको ऊपर ऐसे लगा के इसको रोल करेंगे। हमको इसे ऐसा ही पतला बेलना है। आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट है। अब मैं मोमो का स्टफिंग करूंगी। मोमो बाइंडिंग का प्रोसेस मैं आपको दोबारा दिखा रही हूँ। फीलिंग ज्यादा मत कीजिए नहीं तो मोमो फट जाएगी। हमें इसको ऐसे राइट हैंड से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से इसको ऐसे मोड़ते जाना है। इसको ऐसे ऐसे करके हम इसको साड़ी के प्लीट के जैसे इसको ऐसे करते जाएंगे। एंड में इसको हम क्लोज कर देंगे। देखिए बनके तैयार है। मैंने यहाँ पे कुछ मोमो बना लिया है। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रखूंगी। मोमो के ट्रे में हमको ऑयल ब्रश करना है। अब मैं मोमो को ट्रे में प्लेस करूंगी। मैं मोमो को प्लेस कर लिया है। अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। मैंने पानी को यहाँ पे पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके ऊपर मोमो को प्लेस कर दूंगी। इसको लो से मीडियम फ्लेम में पकने दूंगी। हम दूसरा बैच बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हम मोमो को चेक कर लेंगे। हमारा मोमो पक चुका है। देखिए इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो चुका है। आप कलर दोनों का अलग देख सकते हैं, कच्चा और पका हुआ का। ये हमारा कच्चा मोमो है और ये देखिए पक चुका है। मैं आपको एक और चीज दिखा देती हूँ। अगर आपके पास मोमो बनाने की वेसल नहीं है तो आप ऐसे किसी पतीले को ले सकते हैं। उसमें सूप का पानी और वेजिटेबल डाल के ऐसे छलनी को उसके ऊपर रखिए। मोमो को यहाँ पे प्रेस कीजिए और ऐसे ढक के उसको पका सकते हैं। रितुज मैजिक किचन में भेज मोमो बनके तैयार है। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। रितुज मैजिक किचन में भेज मोमो बनके तैयार है। विल बी बैक विद अ न्यू रेसिपी। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।